गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. देखो मैंने इन द प्रीवियस लेसन आई टॉट यू ओपन एट पेज नंबर एट फर्स्ट ओपन एट पेज नंबर 51. पेज नंबर 51 निकालो. देखो यहाँ पर मैंने क्रॉफिश तक मैंने पढ़ाया था. नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. अब जब डेविड वहाँ पर पहुँच गया पेगोटी के घर तो वहाँ पर क्या हो रहा है. ग्लैड टू सी यू सर, सेड मिस्टर पेगोटी. मिस्टर पेगोटी ने बोला अरे सर, मतलब डेविड को बोल रहा है, आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ. द मास्टर ऑफ द हाउस, वो है उस घर का मास्टर. कौन? मिस्टर पेगोटी. मिस्टर पेगोटी द मास्टर ऑफ द हाउस, वो उस घर के मालिक है. उसने बोला आपका इधर वेलकम है, आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ. यू विल फाइंड अस राफ. आपको लग सकता है कि हम लोग राफ है, मतलब हम लोग का घर गंदा है, थोड़ा सजा हुआ नहीं है सर. बट यू विल फाइंड अस रेडी. लेकिन आप हम लोग को हमेशा रेडी मिलेंगे, मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको मिलेगा. यू विल गेट एवरीथिंग हियर रेडी. आई थैंक हिम, मैंने उसको थैंक्स दिया एंड रिप्लाइड दैट आई वॉज श्योर आई शुड बी हैप्पी इन सच अ डिलाइटफुल प्लेस. मैंने ये रिप्लाई किया कि मैं निश्चित हूँ कि मुझे जो इतना अच्छा डिलाइटफुल इतना बढ़िया एक प्लेस मिला, इसके लिए मैं थैंक्स शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का. हाउ इज योर माँ सर, सेड मिस्टर पेगोटी. तब मिस्टर पेगोटी ने डेविड को बोला कि आपका मम्मी कैसा है. उसका मम्मी तब भी जिंदा थे. डिड यू लीव हर प्रेटी जॉली, क्या आप बहुत उसको खुश रख के आए हैं. आई गेव मिस्टर पेगोटी टू अंडरस्टैंड दैट शी वॉज एज जॉली एज आई कुड विश. मैंने पेगोटी को यह समझाया कि मेरे मम्मी पहले जैसा ही जॉली यानी खुश है एंड दैट शी डिजायर्ड हर कॉम्प्लीमेंट्स. और मम्मी भी मिस्टर पेगोटी को थैंक्स करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि समर वैकेशन के लिए उसका मम्मी भी नहीं चाहता था. डेविड्स मदर ऑल्सो डिडंट वॉन्ट डेविड टू कम टू द हाउस ड्यूरिंग समर वैकेशन बिकॉज शी न्यू इट क्वाइट वेल दैट मिस्टर एंड मिसेस मार्डस्टोन विल टॉर्चर डेविड ड्यूरिंग दिस टाइम. वो जानते थे डेविड का मम्मी के वो इधर आएगा, मेरे पास आएगा तो मिसेस मार्डस्टोन मेरे बच्चे को ऊपर टॉर्चर करेंगे. इसलिए उसका मम्मी ये चाहता था कि डेविड कहीं दूसरे के घर चला जाए, और इसलिए वो मिस्टर पेगोटी को थैंक्स दे रहा है. विच वॉज ए पोलाइट फिक्शन ऑन माई पार्ट. राइटर बोल रहा है, नैरेटर बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए कहानी है, पोलाइट विनम्र कहानी है, मतलब मेरे जीवन का दुख की बात है. ये मेरे जीवन का एक आयरनी है, व्यंग है कि समर वैकेशन में मैं अपने मम्मी के पास ना जाके मैं दूसरे के घर आया, ठीक है. नहीं, इसके लिए मम्मी थैंक्स दे रहे हैं. आई एम मच ऑब्लीज टू हर. देखो ये ऑब्लीज नहीं है, ऑब्लाइज मतलब आभार व्यक्त करना. लेकिन इधर जो इंग्लिश वो कैसे बोलता है उसका प्रोनाउंसिएशन उसका दे रहा है. तो मिस्टर पेगोटी ने क्या बोला, आई एम मच ऑब्लीज टू हर, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं उनसे बहुत ही आभारी हूँ कि उसने आपको मैं हमारे घर में भेजा. वेल सर, इफ यू कैन मेक आउट हेयर हेयर फॉर ए फॉर्टनट. देखो फॉर ए फॉर्टनट, एक्चुअली यहाँ पर फॉर ये प्रोनाउंसिएशन है फॉर ए फॉर्टनट. इसका मतलब होता है फॉर ए फोर्टनाइट. एक्चुअली ये मिस्टर पेगोटी का इंग्लिश बोलने की एक तरीका है, उच्चारण है, ये दिखा रहा है. फॉर ए फोर्टनाइट मतलब फॉर ए फोर्टनाइट यानी 14 डेज. तो बोल रहे हैं कि अगर हम आप हमारे घर अगर आप 14 दिन रहते. लॉन्ग विथ आर वी हर लॉन्ग विथ हर, तो इधर लिखा हुआ है लॉन्ग We are. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है along with her तो उसके साथ मतलब पेगोटी के साथ. तो इधर बोल रहा है कि अगर आप हमारे घर में fortnight यानी 14 दिन रहते. long with her we are मतलब along with her उसके साथ and ham के साथ एंड लिटिल एमली और छोटा एमली के साथ. एमली पूरा नाम है एमिली, उसका एमली बोल रहे हैं. वी शैल बी प्राउड ऑफ योर कंपनी. तो आपको साथ पाके हम लोग धन्य हो जाते,
आप अगर हमारे घर 14 दिन तक रहते, आफ्टर टी चाय पीने के बाद व्हेन द डोर वाज शट, दरवाजा जब बंद हो गया एंड ऑल वाज मेड स्नग, सब जब स्नग यानी सब जब कंबल ओढ़ लिया और रजाई के अंदर चला गया, लिटिल एमली हैड कम हर शाइनेस, वो कम हर शाइनेस, छोटा जो एमली उस घर में जो एक डेविड के उम्र की ही डेविड से छोटी एक लड़की थी, हाँ उससे बाद में डेविड को साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त का संपर्क हो जाता है। लेटर ऑन डेविड में फ्रेंडशिप हुई था, तो देखो उसने अपना ओवरकम किया, अपना शाइनेस यानी शर्मिलेपन को ओवरकम किया, मतलब छोड़ा, एंड वाज सिटिंग बाय माय साइड अपॉन द लोएस्ट एंड द लीस्ट ऑफ द लॉकर्स, एक छोटा सा लॉकर था, लॉकर यानी कोई ड्रायर की तरह जाए जिसमें कोई चीज़ लॉक करके रखते हैं, तो एक छोटा सा लॉकर था, मतलब वो वहाँ पर आके मेरे नज़दीक बैठी, विच वॉज जस्ट एज लार्ज एनफ फॉर अस टू, जो हम दोनों के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं था, एंड जस्ट फिटेड इन टू द चिमनी कॉर्नर, वो एक चिमनी के कॉर्नर में एक फिट था वो लॉकर। मिसेस पेगोटी वाज निटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फायर, जहाँ पर घर में आग जल रहा था, फायर मतलब इन द इंग्लैंड और इन अमेरिका, इन दोज कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज विंटर इज क्वाइट सीवियर, सर्दी का मौसम जो होता है ना बहुत सीवियर होता है, सो इन ऑर्डर टू कीप द रूम हीटेड, घर को हीट रखने के लिए क्या किया जाता था एट दैट टाइम, घर में फायर प्लेस होता था, उसमें लकड़ी जला के घर को गर्म किया जाता था। तो बोल रहे हैं तब मिसेस पेगोटी यानी मिस्टर पेगोटी का वाइफ, ये पेगोटी नहीं है, मिसेस पेगोटी है जो ना मिस्टर पेगोटी जो वेलकम किया उसका वाइफ है, वो निटिंग कर रहा था, सिलाई बुनाई का काम कर रहा था। पेगोटी एट हर निडल वर्क वॉज ऑल्सो एट होम, पेगोटी भी, मिसेस पेगोटी जो निडिल वर्क की, निडिल यानी सुई, सुई का काम यानी सिलाई बुनाई का जो काम कर रहा था, मिसेस पेगोटी उसके नज़दीक बैठी थी, पेगोटी एज इफ दे हैड नेवर नोन एनी रूम अदर रूम, जैसे कि मानो ये लोग इस तरीके से रह रहा था एक ही छत के अंदर, मिस्टर पेगोटी, मिसेस पेगोटी, पेगोटी, हैम, एमिली, तो मानो ये लोग कोई दूसरा छत नहीं जानता था, मतलब कोई अलग अलग रहने नहीं जानता था, इन लोगों के पास कितना यूनिटी था, कितना प्यार था, क्योंकि सब दे ऑल लिव टुगेदर ऑलवेज, राइटर नैरेटर इधर यही बोलना चाह रहे हैं कि इन सब में कितना प्यार है, इन सब में कोई जलन या कोई हिंसा, कोई प्रेजुडिस ये सब नहीं है, दे डोंट लिव सेपरेटेड, दे लिव अंडर द सेम रूफ विथ लव एंड अफेक्शन, वो लोग अपने प्यार के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। हैम वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट ए स्कीम ऑफ टेलिंग फॉर्चून्स विद डर्टी कार्ड्स, हैम के पास कुछ गंदे गंदे कुछ कार्ड्स थे जो गंदा हो गया था, उस वो फॉर्चून्स बोल रहा था, भाग्य बोल रहा था, ऐसा एक तरीके का खेल है। मिस्टर पेगोटी वॉज रिलैक्सिंग, मिस्टर पेगोटी रिलैक्स कर रहे थे, आई फेल मुझको लगा इट वॉज ए टाइम फॉर कॉन्वर्सेशन एंड कॉन्फिडेंस, मुझको ये लगा कि चलो अभी कॉन्वर्सेशन बातचीत करने का और कॉन्फिडेंस अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का समय है। तब उसने बोला मिस्टर पेगोटी सेज आई, मैंने बोला, तब मिस्टर पेगोटी ने बोला यस सर, हाँ बोलिए, डिड यू गिव योर सन द नेम हैम बिकॉज यू लिव्ड इन ए शॉर्ट ऑफ आर्क, आपने अपने लड़के का नाम हैम क्यों रखा, क्योंकि आप इस आर्क में रहते हो, आर्क, आर्क मीन्स क्या होता है, नाव, इट्स एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, आर्क, आर्क, आर्क मीन्स एक्चुअली ए बोट, तो बोल रहे आप इस बोट में रहते हैं इसलिए क्या आपने अपने लड़के का नाम हैम दिया। मिस्टर पेगोटी सीम टू थिंक इट ए डीप आइडिया, मिस्टर पेगोटी इसको गहरी सोच में उसको डूब गया, उसके बाद आंसर दिया नो सर आई नेवर गिव हिम नो नेम, मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया, हु गेव हिम दैट नेम देन, तो उसका नाम हैम किसने दिया, मैंने पूछा, पुटिंग क्वेश्चन नंबर टू टू मिस्टर पेगोटी, मैंने दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू था ये मिस्टर पेगोटी के लिए, दैट मीन्स आई आस्क ट्वाइस, मैंने दोबारा पूछा, व्हाई सर हिज फादर गिव इट हिम, सेड मिस्टर पेगोटी, तो मिस्टर पेगोटी ने बोला अरे सर उसका पिताजी ने उसका ये नाम दिया था, आई थॉट यू वेर हिज फादर, मुझे तो लगा था कि आप ही उसका पिताजी है, माई ब्रदर जो वॉज हिज फादर, तब उसने क्या बोला कि मेरा जो भाई है जो वो है उसका पिताजी, सेड मिस्टर पेगोटी, मिस्टर पेगोटी ने बोला डेड मिस्टर पेगोटी, आई हिंटेड, मैं इशारा करके बोला क्या उसके पिताजी मर गए, आफ्टर ए रेस्पेक्टफुल पॉज, मतलब थोड़ा रुक के मैंने बोला उसका क्या पिताजी मर गए, इस दुनिया में क्या नहीं है, ड्राउंडेड सेड मिस्टर पेगोटी, मिस्टर पेगोटी ने बोला ड्राउंडेड मतलब डूब के मर गया। ओके स्टूडेंट आई थिंक इट इज एनफ फॉर यू इन दिस वीडियो,
एंड आई होप आई विल ऑल्सो कीप ऑन शेयरिंग वीडियोज विथ यू बट इन द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली विल बी इन द क्लासरूम विथ ऑफलाइन क्लास सो आई होप आई विल बी वेरी हैप्पी टीचिंग यू. मैं तुम लोगों को पढ़ाते हुए क्लास में मैं बहुत ही खुश महसूस करूँगा और मैं उस मोमेंट का बहुत ही इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं क्लास में जाकर तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँ. एंड आई होप इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ माइन विल बी ऑफलाइन. ओके गुड डे बेस्ट ऑफ लक एंड यू ऑल्सो मेंटेन कोविड गाइडलाइंस. ओके गुड डे.